Hello, good evening everybody. This is Khushi from Lexis and Company. In this video today we will discuss the procedure of a court marriage in India. क्या procedure क्या होता है court marriage का in India? So first thing which you need to know about that firstly you need to go for the legal sorry not the legal notice of the marriage. अगर आप कभी भी मैरिज के लिए जाते हैं बेसिकली अबाउट द स्पेशल मैरिज एक्ट इफ यू गो फॉर दैट सो यू हैव टू पब्लिश योर मैरिज सर्टिफिकेट सॉरी मैरिज नोटिस दैट द पार्टीज मस्ट फर्स्ट गिव नोटिफिकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर इट रिक्वायर्स दैट द पार्टीज इन द लाइक मैरिज नोटिफाई देयर इंटेंशन टू मैरी टू द लाइक अगर ये बेसिकली इसलिए होता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस मैरिज से within 30 days ये तो 30 days का एक पीरियड होता है 30 days के अंदर they can go for that and they can file the objection on that so that the court can see on that and the last and the next thing is publishing of the notice तो इसमें basically क्या होता है जब हम notice को publish करते हैं तो उसमें 30 days का पीरियड दिया जाता है जो notice आपने intention अभी दिखाई है कि मुझे इस शादी से कोई problem नहीं है there is nothing like to worry about so उस नोटिस के बाद जो 30 डेज का पीरियड दिया जाता है उस 30 डेज के पीरियड में अगर किसी कोई ऑब्जेक्शन होता है देन दे केम पार्टी आती है उसके बाद उस ऑब्जेक्शन को क्लियर किया जाता है एंड देन तो शादी सॉल्वनेस की जाती है बट अगर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है देन द देर इज नो इशू देन द थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्शन टू द मैरिज इसमें ऑब्जेक्शन क्या किस तरीके के आ सकते हैं अगर मान लीजिए कोई भी पार्टीज अगर मान लीजिए एनीवन मे ऑब्जेक्ट टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर द सेक्शन 7+4 ऑफ दिस एक्ट बिलीव इट would violate any condition outlined in section 4 clause 5 of the act during the 30 days of time if the objection does not prevent the marriage from the solemnizing the magistrate officer as per the section 8 clause 6 will investigate it within 20 days of receiving it agar maan lijiye koi bhi objection isme aata hai to magistrate isme ek इन्वेस्टिगेशन करवाता है 20 डेज विद इन 20 डेज के अंदर ताकि अगर कोई ऑब्जेक्शन तो उसको हटाया जा सके ताकि शादी की जा सके जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आती है आपकी उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिक्लेरेशन बाय द पार्टीज एंड द विटनेसेस अब इसमें विटनेस की बात आती है तो इसमें विटनेस सबसे पहली चीज़ आपको यू मस्ट नो अबाउट इट दैट तीन विटनेस की जरूरत होती है तीनों विटनेस का एड्रेस तीनों विटनेस का प्रूफ एवरीथिंग यू नीड टू सबमिट इन द कोर्ट दैट यू हैव एंड द विटनेस ऑल्सो शुड बी मोर देन 18 विच इज मेजोरिटी एज सॉरी मेजोरिटी एज नाउ टॉक अबाउट द मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें सो द मैरिज ऑफिसर विल इशू द मैरिज सर्टिफिकेट आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ ऑल दीज फॉर्मेलिटीज सच एज डॉक्यूमेंट सर्व्स एज अ लाइक कंक्लूजिव जो भी आपका प्रूफ होता है हर चीज़ को जब सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ आपका हो जाता है शादी हो जाती है उसके बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया करवाया जाता है बट नाउ वी टॉक अबाउट दैट इंडिया में अगर शादी का देखा जाए तो इंडिया में कितना टाइम लगता है शादी के ऊपर देखा जाए अगर हम स्पेशल मैरिज की बात करें यूजुअली इट टेक्स 30 to 60 days टू कंप्लीट द एंटायर कोर्ट मैरिज सॉलिमनाइजेशन प्रोसेस आफ्टर द नोटिस ऑफ द इंटेंशन पब्लिश द मजिस्ट्रेट ऑफिसर हैज 30 डेज टू कंसिडर एनी ऑब्जेक्शन ऑफ द मैरिज इफ एंड इफ एनी ऑब्जेक्शन आर इशूड ड्यूरिंग द टाइम द मजिस्ट्रेट ऑफिसर has a 30 days to conduct a inquiry as I told you so this is all about the procedure of the court marriage in the next video we'll discuss a new topic thanks for watching this video